साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, बाटला हाउस केस में साकेत कोर्ट का फैसला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, बाटला हाउस केस में साकेत कोर्ट का फैसला, आतंकी आरिस को फांसी की सजा दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, 8 मार्च को आरिस को दोषी करार दिया गया था। दिल्ली में साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर केस और उसी मसले पर साकेत कोर्ट का एक बड़ा फैसला आपके सामने है। बाटला हाउस केस जुड़ा हुआ पूरा मसला, आतंकी आरिस को मौत की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। 8 मार्च को आरिस को दोषी करार दिया गया था। 8 मार्च को अपने फैसले में कोर्ट ने साफ तौर से कहा था, जब एनकाउंटर वहां पर हो रहा था, आरिस मौके पर मौजूद था, पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। मोहन चंद्र शर्मा पर आरिस ने फायरिंग की थी। और अब ये बड़ी खबर सामने है, दिल्ली में साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर केस हुआ था, उसी मसले पर साकेत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। 2018 में आरिस को नेपाल से गिरफ्तार किया गया था, लगातार तब से ही तलाश थी आरिस की। नेपाल से गिरफ्तार किया गया था 2018 में। बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे और साथ ही पुलिसकर्मी बलवंत सिंह राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। अब इसी फैसले पर, उसी मसले पर यह बड़ा फैसला साकेत कोर्ट का। और इसी पर दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, ये बड़ा फैसला भी है, लगातार ये वैसे भी उम्मीद जताई जा रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए आरिस को, अब ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल बड़ा फैसला, बाटला हाउस मुठभेड़ केस में दिल्ली की एक अदालत ने दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 का जो बाटला हाउस मुठभेड़ में जुड़े अन्य और उसके भी साथ साथ जो और मामले थे उसमें दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने इस का फैसला लिया है और साकेत कोर्ट में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। पुलिस ने कहा कि यह केवल हत्या का मामला नहीं बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून अधिकारी की हत्या का भी मामला है। खारिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने शाम 4 बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने 2008 में बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य खारिज खान के 8 मार्च को दोषी इनको ठहरा दिया है। बड़ा मामला देखिए सामने आ गया है और बहुत लंबे समय से ये जो केस चल रहा था उसमें आज दिल्ली की अदालत ने आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। अदिति, फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया, लेकिन तारीख वो कौन सी होगी, इसको लेकर अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, अभी फिलहाल तारीख की बात तो यहाँ नहीं की गई है और लगातार अभी भी देखिए दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में जो बाटला हाउस वाला जो पूरा तमाम मामला हुआ था उसमें जो आप तारीख की बात करिए, इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास भी सुनाई थी। तो तारीख के लिए एक बार और सुनवाई होगी, अभी तक कोई तारीख नहीं आई है कि सुनवाई अगली कब होगी। लगातार तमाम चीज चल रही है लेकिन आज बेहद बड़ा मामला जिसमें ये सामने आया है कि बाटला हाउस मुठभेड़ में दिल्ली की एक अदालत ने आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी। बिल्कुल, और अदिति, ये उन तमाम परिजनों के लिए भी जिन्होंने अपने अपनों को खोया, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके परिजनों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है साफ तौर से, क्योंकि पहले भी जब सुनवाई हुई थी साकेत कोर्ट में, कोर्ट ने ये कहा था कि जब एनकाउंटर हुआ था आरिज वहाँ पर मौजूद था, पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग की, मोहन चंद्र शर्मा पर खुद फायरिंग की। अभी बहुत बड़ी राहत एक तरीके से। चलिए, अदिति से संपर्क टूट चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर भी है। हालांकि जिन्होंने अपने अपनों को खोया था उनको भी लगातार इंतजार था कि आरिस को फांसी की सजा होगी। अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। 2008 में बाटला एनकाउंटर हुआ था बाटला हाउस और 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। लगातार एक के बाद एक कई सुनवाइयाँ हुई साकेत कोर्ट में भी, एक के बाद एक कई तारीखों का ऐलान भी किया गया, सुनवाई आगे बढ़ती गई, उसके बाद ये बड़ा फैसला है। अब तारीख क्या होगी फांसी की, इसको लेकर एक बार फिर से आगे सुनवाई होगी, फिर तारीख का ऐलान किया जाएगा।